हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था? हमने एम्प्लॉय के फाइल के अंदर दैट मींस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करा था और हमने उसको डिस्प्ले कराया था। दैट मींस हमने अपनी एम्प्लॉय रिकॉर्ड को ऐड करके देखा था और डिस्प्ले करा कर देखा था। मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम रिकॉर्ड को मॉडिफाई करेंगे एंड डिलीट फंक्शन यूज, दैट मीन्स डिलीट के लिए फंक्शन बनाएंगे और मॉडिफाई के लिए फंक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले आप हम मॉडिफाई के लिए जो फंक्शन बनाया उसको चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमने क्या करा, मॉडिफाई रिकॉर्ड नाम का एक फंक्शन बनाया, कैरेक्टर एम्प्लॉय नेम और एक एरे बनाया। दैट मीन्स ये 50 कैरेक्टर्स तक होल्ड करेगा। कैर वेरिएबल लिया एक अनदर, दैट मीन्स उसकी इनिशियल वैल्यू क्या करी हमने वाई कर दी है। स्क्रीन को क्लियर करा, वाई अनदर इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स जब तक अनदर के अंदर वाई रहेगा तो वो आपसे पूछता रहेगा कि आपको कौन सा एम्प्लॉय का नाम आप एंटर कराएंगे जिसको आपको मॉडिफाई करना है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एंटर एम्प्लॉय नेम टू मॉडिफाई। फिर आपने जो एम्प्लॉय का नाम आपको मॉडिफाई करना था वो आपने इनपुट कराओगे। जो आप नाम इनपुट कराओगे उसको हम मॉडिफाई करने के लिए वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ईएमपी नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। रिवाइंड एफपी, रिवाइंड एफपी क्या करेगा, आपके फाइल को आपका जो कर्सर होगा फाइल की बिगनिंग में ले जाएगा। वाइल अब क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा, यानी कि फाइल तो आपकी ओपन है। वाइल एफ रीड, एफ रीड की फंक्शन क्या करता है, फाइल से रीड करने के लिए काम में आता है। ये क्या करेगा, जो आपका स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर, दैट मीन्स स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर रिकॉर्ड्स को रीड करेगा। कितना रीड करेगा, जो अपने साइज उस स्ट्रक्चर का जो साइज होगा उसके इक्वलेंट रीड करेगा। किस फाइल के अंदर से रीड करेगा, जो एफ पी फाइल रेफरेंस के अंदर वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स data.txt नाम फाइल है इक्वल्स टू वन, जब तक वो ट्रू रहेगा। ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक ये ट्रू रहेगा। इफ strcmp, आपको पता है strcmp किस लिए काम में आता है, कि स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए काम में आता है। जब भी स्ट्रिंग सेम होगी तो वो क्या रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा, अदरवाइज नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। आप चेक करा रहे हो strcmp e.name, दैट मीन्स स्ट्रक्चर जो फाइल के अंदर नेम है वो आपने जो ईएमपी नेम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू इनपुट कराई है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो आपसे क्या पूछेगा, नया एम्प्लॉय का नाम आपसे इनपुट करने के लिए पूछेगा, एज इनपुट करने के लिए पूछेगा, सैलरी इनपुट करने के लिए पूछेगा और आईडी इनपुट करने के लिए पूछेगा। तो दैट मीन्स आपके ई डॉट नेम के अंदर, ई डॉट एज के अंदर, ई डॉट सैलरी के अंदर, ई डॉट आईडी के अंदर वैल्यू आप स्टोर करा दोगे। फिर जब ये स्टोर वैल्यू हो जाएंगी तो आप क्या करोगे, एफ सी क्या करता है, आपके कर्सर को उस रिकॉर्ड पे पोजीशन करने के लिए काम में आता है। एफ सीक फंक्शन क्या करता है, आपके फाइल के अंदर कर्सर को एक पर्टिकुलर प्लेस पर, पर्टिकुलर बाइट पर प्लेस करने के लिए काम में आता है। किस फाइल के अंदर प्लेस करना है हमें, एफपी फाइल के अंदर, कहां पर, जहां पे माइनस साइज, दैट मीन्स जो साइज का जो साइज की वैल्यू उससे माइनस, दैट मीन्स अगर साइज की वैल्यू क्या है 60 है तो माइनस 60 जो आपका कर्सर होगा कहाँ पर पहुंच गया होगा, रीड करते करते यहाँ तक पहुंच गया होगा लास्ट तक उस रिकॉर्ड के, तो उससे पहले तक स्टार्टिंग में पहुंचा देगा। और किस फाइल के अंदर, एफपी वाली फाइल के अंदर, वहाँ पर जाके वो राइट कर देगा, दैट मीन्स उस रिकॉर्ड के ऊपर वो राइट कर देगा, जो पहले वाला रिकॉर्ड होगा उसको ओवर राइट कर देगा। और आप क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाओगे ब्रेक के थ्रू। जब वो रिकॉर्ड मॉडिफाई हो जाएगा उसके बाद आप बाहर आओगे, वो आपसे लूप से बाहर आने का आपसे पूछेगा कि आप कोई दूसरा रिकॉर्ड कौन, आप लूप कौन से लूप से बाहर आओगे, जो आपका इनर लूप है ये वाला लूप है इससे बाहर आ जाओगे। फिर वो आपसे पूछेगा वांट टू मॉडिफाई अनदर रिकॉर्ड, अगर आप वाई प्रेस करते हो तो वापस वो किस में चलाएगा, इस वाले लूप के अंदर, दैट मीन्स आपका आउटर जो लूप है इसके अंदर चलाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेगा, आपके लूप से बाहर आ जाएगा और आपका रिकॉर्ड मॉडिफाई हो जाएगा। एफ फ्लैश स्टैंडर्ड इनपुट क्या करता है, जब भी आप कोई नंबर्स इनपुट करा रहे हो उसके बाद आप करेक्टर इनपुट कराते हो या कुछ इनपुट कराते हो तो वो गार्बेज वैल्यूज ले लेता है। एफ फ्लश स्टैंडर्ड इनपुट क्या करता है, आपकी जो बफर्स की वैल्यूज होती हैं उनको फ्लश कर देता है। चलिए ये तो आपने देख लिया होगा कि मॉडिफाई कैसे होता है, अब देख लेते हैं कि डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है। अगर आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है उस फाइल के अंदर से, तो आपने फंक्शन बना रखा है डिलीट रिकॉर्ड। आपने क्या करा, कैरेक्टर एम्प्लॉय नेम, अगेन आपको क्या करा, एम्प्लॉय का नाम आपने एक वेरिएबल ले लिया, अनदर इक्वल्स टू वर्स वाई, वाई अनदर इक्वल्स टू वाई, जब ये लूप चलता रहेगा जब तक वाई अनदर की वैल्यू क्या रहेगी, वाई रहेगी।
आपसे एम्प्लॉय का नाम पूछेगा जिसको आपको डिलीट करना है। आप उस वेरिएबल की वैल्यू किसके अंदर, ई एम पी नेम के अंदर स्टोर करा दोगे। फिर आप क्या कर रहे हो, आप एक फाइल बना रहे हो दैट इज टेम्प डॉट टी एक्स टी, और इसको किस मोड में ओपन करो, राइट बाइनरी मोड में। रिवाइंड एफ पी, रिवाइंड एफ पी क्या करेगा, आपकी फाइल को बिगनिंग ऑफ, आपकी फाइल फाइल को रीड करने के लिए बिगनिंग ऑफ आपका कर्सर जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाएगा। वाइल एफ रीड इसके अंदर से क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर को रीड करेगा, इस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट रीड करेगा, उसका साइज रीड करेगा, और किस फाइल के अंदर से रीड करेगा, एफ पी वाली फाइल के फाइल पॉइंटर से रीड करेगा जब तक ये फाइल एंड नहीं हो जाती। चेक करेगा कि आपका एस टी आर सी एम पी के अंदर, दैट मीन्स एस टी आर सी एम पी कंपेयर करेगा ई डॉट नेम और एम्प्लॉई नेम के अंदर जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। अगर दैट मीन्स वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, दैट मीन्स वो सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो क्या करेगा, एफ राइट वो टेम्प डॉट टी एक्स टी के अंदर राइट करता रहेगा। सपोज आपके पास एक फाइल थी जिसके अंदर नाम था गुलफाम, इसकी सैलरी थी 1000, इसकी एज थी 47 और एम्प्लॉय आई डी थी 101। दूसरा रिकॉर्ड था अमित, सैलरी थी 10000, एज थी 32 और एम्प्लॉय आई डी थी 102। एक रिकॉर्ड था मानस, सैलरी थी 1000, एज थी 45 और एम्प्लॉय आई डी थी 103। तो आपने क्या करा, सपोज एम्प्लॉय आपने इनपुट करा है अमित, आपको अमित वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो वो चेक करेगा कि ई डॉट नेम, दैट मीन्स इसके अंदर से नाम आ रहा होगा वो अवेलेबल है किसके अंदर, ई नेम के, ई एम बी नेम के अंदर, ये आपने किसके अंदर स्टोर कराया था, ई एम पी नेम के अंदर अमित स्टोर कराया था। अगर है, अगर नहीं है तो क्या करेगा, आपकी दूसरी वाली फाइल के अंदर, दैट मीन्स आपकी कौन सी है, एफ राइट किसके अंदर कर रहा है, एफ टी वाली के अंदर, एफ टी आपकी कौन सी है, टेम डॉट टी एक्स टी के अंदर, टेम डॉट टी एक्स टी के अंदर ये वाला रिकॉर्ड, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा था, ये वाला रिकॉर्ड टेम डॉट टी एक्स टी के अंदर चलाएगा, ये वाला रिकॉर्ड टेम डॉट टी एक्स टी के अंदर चलाएगा, कि आपके दो रिकॉर्ड किसके अंदर चलेगा, इस फाइल के अंदर, दैट इज टेम डॉट टी एक्स टी के अंदर चले गए। फिर आपने दोनों फाइल्स को आपकी, दैट मीन्स एफ क्लोज कर दी, कौन सी जो आपकी ओरिजिनल फाइल थी एफ पी वाली, और एफ कौन सी टेम्प वाली, अपने फाइल को क्लोज कर दिया, और जो आपकी ओरिजिनल फाइल थी आपने उसको क्या करा, रिमूव फंक्शन क्या करता है, किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए काम में आता है, फाइल डिलीट के लिए काम में आता है। तो आपने क्या करा, ओरिजिनल फाइल जो थी आपकी डाटा डॉट टी एक्स टी उसको रिमूव कर दिया, दैट मीन्स डिलीट कर दिया, और क्या करा, बाकी बचे हुए रिकॉर्ड्स किसके अंदर थे, टेम डॉट टी एक्स टी के अंदर थे, टेम डॉट टी एक्स टी को आपने क्या करा, रीनेम कर दिया, किसके साथ, आपने दैट इज आपकी ओरिजिनल फाइल कौन सी थी, दैट इज डेटा डॉट टी एक्स टी से के साथ रीनेम कर दिया। यहाँ पर आपने क्या करा, दैट इज रीनेम टेम डॉट टी एक्स टी को किससे, डेटा डॉट टी एक्स टी से रीनेम कर दिया, तो आपकी फाइल रीनेम हो गई। फिर आपने क्या करा, डेटा डॉट टी एक्स टी को राइट मोड में अगेन ओपन कर लिया, और फिर आपने पूछा, सॉरी रीड मोड में ओपन करा, फिर आपने पूछा कि आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है या नहीं करना है। अगर रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप क्या करो, गेट सी एच ई क्या करेगा, आपसे एक करेक्टर इनपुट कराएगा, और वो किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, अनदर के अंदर ट्रांसफर कर देगा। अगर अनदर के अंदर वैल्यू वाई है तो वो वापस ये लूप एग्जीक्यूट कर देगा। अगर गेट, अगर आपने कोई वैल्यू एन प्रेस करा तो अनदर के अंदर वैल्यू क्या जाएगी, वाई नहीं जाएगी, दैट मीन्स एन चली गई, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। जब फॉल्स होगी तो वो लूप से बाहर आकर आपके मेन प्रोग्राम के अंदर चला जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट कर दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं अपना सी ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूं, कि हमारा मेन स्क्रीन आ रहा है, फिर इसके हमारी ये स्क्रीन आ गई। सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूं, आपको रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करा देता हूं जो हमने लास्ट में करा था। हमारे पास ये रिकॉर्ड्स है, मुझे कौन सा रिकॉर्ड्स मॉडिफाई करना है, दैट इज अमित वाला रिकॉर्ड मॉडिफाई करना है। तो मैं यहां पर क्या देता हूं, एंटर कर देता हूँ, मुझे दैट मीन्स मॉडिफाई करना है अमित वाला। मैं क्या कर रहा हूँ, फोर एम्प्लॉय नेम जिसका नाम रिकॉर्ड मॉडिफाई करना है, मैंने क्या करा अमित, एंटर न्यू नेम, मैं यहाँ कर देता हूँ मानस, एज 24 सॉरी 34 और सैलरी 30,000, एम्प्लॉय आई डी 106, वॉन्ट टू मॉडिफाई आना था, मैं एन प्रेस कर रहा हूँ, बाहर आ गया। आपको डिस्प्ले करके वापस दिखा देता हूँ, रिकॉर्ड मॉडिफाई हो गया। अगर मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो मैं क्या प्रेस करूँ, टू प्रेस करूँगा। मुझे कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, गुलफाम वाला रिकॉर्ड। तो
अब गुलफाम वाले जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, यू वॉन्ट टू डिलीट रिकॉर्ड, मैं अनदर, नहीं मैंने एन के लिए एन प्रेस कर दिया, देखते हैं गुलफाम वाले रिकॉर्ड डिलीट होगा या नहीं होगा। गुलफाम वाले रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुए, क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पर जो लिखा था कैपिटल जी लिखा था और यहाँ पर क्या है स्मॉल जी है। अब मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ डिलीट रिकॉर्ड के लिए, अब मैं आपको डिस्प्ले करा देता हूँ। तो जितने भी गुलफाम नाम के रिकॉर्ड थे वो सारे के सारे डिलीट हो गए। आप क्या करिएगा, जब भी आप कंपेयर करिएगा तो एम्प्लॉय आईडी के बेस पर कंपेयर करिएगा। उस कंडीशन में क्या होगी, हर एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी जो होती है वो यूनिक होती है। नाम तो एक एम्प्लॉय के यानी कि मल्टीपल एम्प्लॉय के सेम हो सकते थे लेकिन एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं हो सकती थी। दूसरी एक इसमें भी ड्रॉबैक क्या था, मैंने कर रखा है कि आपकी जो स्ट्रिंग जो कंपेयर कराई है मैंने वो क्या करा है, केस को इग्नोर नहीं कर रहा है। यहां पर जो मैंने एसटीआरसीएमपी फंक्शन यूज करा है वो केस इग्नोर नहीं कर रहा है। अगर आप लिखते हो strcmpi तो वो क्या करेगा, इसको आप रिप्लेस कर दिएगा strcmpi से, तो क्या करेगा आपके केस को इग्नोर भी करेगा। अगर आपने कैपिटल में लिखा हो या स्मॉल में लिखा हो, जब भी आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, बस नाम सेम होना चाहिए। तो आपको ये प्रोग्राम तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, ये सारे प्रोग्राम्स जो अभी तक मैंने आपको कराए हैं या जो अभी आगे कराऊंगा, लास्ट में क्या करूंगा, लास्ट जो आप मेरी लास्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिसके थ्रू आप इसके सारे नोट्स, सी के सारे नोट्स और सारे प्रोग्राम्स आप डाउनलोड कर यूज कर सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या फाइल हैंडलिंग से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो सी और MySQL की कनेक्टिविटी होगी। हम क्या करेंगे, सी और MySQL की कनेक्टिविटी करेंगे और सी के थ्रू MySQL के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड डिस्प्ले रिकॉर्ड्स कराएंगे, डिस्प्ले कराएंगे सारे रिकॉर्ड्स को अपने डेटाबेस से। फिर भी अगर आपको इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।